कहा है कि वो झारखंड की नाला विधानसभा क्षेत्र की विकास की बात करेंगे, तो उनका बयान सुनने के बाद जो है भाजपा में काफ़ी आक्रोश भी दिखाई दे रहा है एवं जनता में भी आक्रोश दिखाई दे रहा है कि भाजपा को नया चेहरा मिला है। जो पूर्व भाजपा के प्रत्याशी था श्री सत्यनारायण झा बाटुल जी, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है और उनका मुताबिक कहना है कि हम उन निर्दलीय पार्टी जोड़ चुके हैं, जिसको लेकर के भाजपा में काफ़ी आक्रोश भी दिखाई दे रहे हैं एवं भाजपा के माधव चंद्र महतो को बयान पर जो है सुनने में आ रहा है कि नाला विधानसभा क्षेत्र में विकास की राज करेगा एवं उनके प्रत्याशी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के रविंद्र महतो है वो भी कहा कि हम 30,000 मतदाता से उसको हराएंगे, हरा करके भाजपा का सरकार बनाएंगे झारखंड में, जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा भी आ रही है। तो चलिए सुनते हैं उनका बयान को क्या कहते हैं उन्होंने। भी एक व्यक्ति विधानसभा अध्यक्ष के जिस पार्टी से और जिस सरकार से ताल्लुकात रखते हैं वो सिरे से फेल है। एक एक जनता ये जान चुकी है कि उनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था 40 बिंदुओं का, आप अगर उठा के देखेंगे तो वो 40 में 40 बिंदु फेल है। और जब कहा जाता है कि राज सिंहासन डामाडोल तो बोल रहे साथी हम लोग, चूंकि वो एकदम बेकार साबित हो चुके हैं उनकी सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार। ऐसी स्थिति में ये हमारे बहुत बड़ा, हमको लगता है कि मेरे रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ा नहीं हो सकते हैं। हम जनबल के माध्यम से, एक एक व्यक्ति के माध्यम से और राष्ट्र सेवकों के माध्यम से इस सीट को निकालेंगे। और चुनौती उनसे मेरा नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि वातावरण तमाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, इसलिए मैं डट के ये सीट जीतूंगा इस बार। तो सुने कि माधव चंद्र महतो ने क्या कहा है, कि वो कहा कि दावे के साथ हम कह सकते हैं कि नाला विधानसभा क्षेत्र से जो है भाजपा का जीत बड़ी निश्चित होगा एवं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है 5 वर्ष में भी कुछ काम नहीं किया है, जिसको लेकर के उन्होंने बड़ी बात कह दी है। तो दरअसल न्यूज़ देखने के लिए जामताड़ा से गौतम ठाकुर के साथ जुड़े रहिए।